नर नारी सहित किन्नरों ने श्रद्धा भाव से किए नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन। दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। महाकाल की तर्ज पर उदयपुर में प्रशासन ने की व्यवस्था, परिसर में चप्पे चप्पे की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से रही। दोस्तों है गंज वासोदा से एलन श्रवि की एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उदयपुर के प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में नर नारी किन्नरों समेत लाखों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से बाबा नीलकंठेश्वर के दर्शन किए। लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने बाबा महाकाल के मंदिर की तर्ज पर व्यवस्थाएं जुटाई थी। महिला पुरुष की अलग अलग कतारें दर्शन के लिए लगाई गई थी। गर्मी के कारण पैर ना जले इसलिए जमीन पर हरी मैट बिछाई गई थी। जल व्यवस्था के लिए जगह जगह पानी के टैंकर खड़े किए गए। बीमारों के लिए अस्थायी अस्पताल बनाया गया, साथ ही विकलांग और बुजुर्गों के लिए बिना लाइन अलग से दर्शनों की व्यवस्था की गई थी। पूरे उदयपुर नगरी की ओर मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस प्राचीनतम मंदिर में सूर्य की पहली किरण महादेव के चरण वंदन के लिए आती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 4 बजे विधि विधान से पूजन अर्चन के उपरांत मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। आज प्रज्ञा प्रवाह के डॉक्टर दीपक शर्मा ने भी महादेव के दर्शन किए और कहा कि यह स्थल विदिशा ही नहीं देश की धरोहर है, जो कुछ ही समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करेगा। वहीं मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई थी। लाखों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। मध्य प्रदेश गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। प्रशासन की प्राथमिकता यह रहती है कि जो भी लोग आए सुरक्षित दर्शन करके जाए। ये जिसमें कि फायर ब्रिगेड लगा हुआ है, एम्बुलेंस है, हेल्थ की टीम लगी हुई है, करीब 350 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, नगर पालिका के कर्मचारी लगे हैं, जनपद के कर्मचारी लगे हैं। हमने खुद भी करीब 150 पटवारी कोटवार सबकी ड्यूटी लगाई हुई है। हर पॉइंट पे तहसीलदार नायब तहसीलदार लगे हुए हैं और अभी बड़े अच्छे से लोगों का दर्शन हो रहा है। मंदिर के दर्शन लगभग रात 12 बजे से प्रारंभ हुए थे और आज रात 12 बजे तक चलेंगे। 24 घंटे की व्यवस्था है। हमारे लगभग 300 पुलिस के लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें भोपाल ज़िले से भी बल है, गुना ज़िले से आया हुआ है, सीहोर से है और विदिशा ज़िले का बल लगा हुआ है और व्यवस्था अनवरत चल रही है। सबको बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भारत की बड़ी संपदा है और हमारे को हमारे इतिहास से पूरी पीढ़ी को अवगत कराने का अवसर है। मुझे बड़ी खुशी हुई है आज यहाँ आके कि भोपाल के इतना पास होने के बावजूद आज 50 साल में मेरे को पहला अवसर मिला है कि मैं यहाँ आ पाया हूँ। ऐसी संपदा हमारे आसपास पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी है और कष्ट होता है कि जब इन मंदिरों के ऊपर कुछ प्रहार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ये इस्लामिक दौर का ऐसा अंधड़ था जब इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। एक बार भारत का पुनः उदय हो रहा है और इस प्रकार इससे उदयादित्य जी के मंदिर में हम यहाँ हैं भगवान नीलकंठेश्वर के, और जहाँ जहाँ इस प्रकार का स्थापत्य हमको सबको दिखता है, मुझे लगता है कि एक बार पुनः भारत का खड़ा होना आवश्यक है और भारत उस तरफ बढ़ रहा है। नई पीढ़ी उसको बहुत उस भाव से देख रही है और अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। कितना भाव से लोग बाग अलग अलग स्थानों से वो भक्ति भाव से आते हैं, पर इनके साथ हमारा जितना इतिहास जुड़ा है, कितना वैभव, कितना संपन्नता यहाँ थी और ये सारा का सारा हमारे गौरव का और शौर्य का प्रतीक है। मुझे लगता है कि एक बार इसका सबका हमको रिविजिट करना चाहिए। एक बार पुनः उन दृष्टि से उन निकायों से उन दृष्टि से हमको सबको ये देखना होगा कि किस प्रकार का ये सब संसार रचा था उस समय के राजाओं ने, उस समय के समाज ने, और कितना वैभवशाली, कितना समृद्धशाली, कितना बौद्धिक स्तर पर उन्नत ये सब स्थान है। निश्चित रूप से आज महाशिवरात्रि के दिन आके भगवान नीलकंठेश्वर के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है।